नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं तिगांव विधानसभा के सूर्य विहार पार्ट टू के वार्ड नंबर 24 में। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे पानी का अंबार लगा हुआ है, गंदा पानी है, लोगों के घरों का पानी है और पूरी जगह फैला हुआ है, बाहर को निकल रहा है। इससे यहाँ के जो रोड हैं, रोड भी खराब हुई पड़ी है और पानी पूरा बहाल है। यहाँ के निगम पार्षद सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, वहीं यहाँ पे हरियाणा राज्य में उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, सोमलता भड़ाना वार्ड नंबर 24, वो भी बीजेपी की निगम पार्षद हैं। लेकिन एक तरफ तो प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, वहीं उनके पार्षद, उनके जो MP हैं, उनके द्वारा यहाँ पे इस एरिया में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी का अंबार है, गंदगी फैली हुई है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियाँ फैलने का डर बना हुआ है। यहाँ के लोग ऐसी नरकीय जीवन में जीने पर मजबूर हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से कि ये जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। आइए बात करते हैं, ये पानी कब से भरा है यहाँ पे? पानी तो यहाँ पे 15 साल हो गए भरे हुए। तो ये इतने गंदा पानी भरा हुआ है यहाँ पे? 5 से रह रहे हैं, 5 से 4। तो यहाँ पे मच्छर पैदा हो रहा है, गंदगी फैल रही है, बच्चे बीमार होते होंगे, तो सारे बीमार हो गए। ना कोई दवाई डालता है यहाँ पे और ना ही यहाँ पे कोई आके देखता है जी रहे या मर रहे हैं। तो आप लोग अभी निगम पार्षद के पास गए नहीं इसको? जाते हैं जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, बस बाद में कुछ नहीं। कब से पानी भरा हुआ है? अरे भैया 12 साल तो हमी को होकर रहते हुए 12 साल से पानी देख रहे भरे हुआ, कोई सुनवाई नहीं। कितनी बार हम लोग जाते हैं फरियाद लेने, कितनी बार तो सहन होके सबके गए हैं। ये गली नंबर कितनी है? ये क्या 10 है, आगे वाली 11 है। 10 और 11 के बीच का इलाका है ये है, 9 से लेके 11 तक के बीच, 9 के 11 का बीच का इलाका है, इलाका है ये। और यहाँ के जो निगम पार्षद है कौन है? कौन है दीदी? वो आते ही तो नाम भी हमें नहीं पता जल्दी। सोमलता है, सोमलता बताना, बीजेपी की है? बीजेपी की है ना? हाँ बीजेपी की। आपने बोल दिया वैसे वहाँ पे? नहीं बोला इनसे। भैया कब से है यहाँ पे ऐसी हालत? ये कम से कम 15 साल हो गए। तो ये आप लोग कभी निगम पार्षद के पास शिकायत लेके नहीं गए? कई बार गए, ट्रॉली में भर भर के गए, कभी बिजली के खंबे के लिए गए, कभी सफाई के लिए गए, कभी सड़क बनने के लिए गए। बरसात में तो और ज़्यादा बुरा हाल होता है, सारे बच्चे पानी से, कभी पानी भर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ये गंदा पानी रोड पे आ जाता है बरसात में और बच्चों को बीमारी होती है, गिरते हैं बहुत ही, लोगों की गाड़ियाँ भी कई बार इसमें टूटी हैं, गिरी हैं और फंस जाती है गाड़ियाँ। जैसे किसी के पास ऑटो है, गरीब आदमी चला रहा तो वो भी फंस जाता है, बहुत दिक्कत होती है हम लोग को। तो यहाँ कब से है यहाँ पे पानी की कंडीशन जो है, यहाँ पे पानी ख़राब? पानी तो ये बरसात में भी भर जाता है, वैसे भी भर जाता है पानी, जब नालियाँ नहीं बनेगी तो पानी तो भरेगा पानी का। तो ये इतना गंदा पानी यहाँ पे इकट्ठा है, मच्छर इससे आते होंगे, बीमारियाँ फैलती होंगी। तो आप लोग कभी निगम पार्षद के पास गए नहीं हो? सब लोग जाते भी हैं, बस हाँ करके बस टाल देते हैं और क्या है। टाल देते हैं और क्या, मतलब कहते क्या है वो? कहते क्या है, बन जाएंगी बस और क्या है, बन जाएंगी यही कहते हैं, लेकिन बनाते नहीं है ना, कोई आते भी नहीं है देखने के लिए, भी नहीं आते। जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पे लोगों से बात करी, लोगों का यही कहना है सब लोग निगम पार्षद के पास जाते तो है शिकायत लेकर, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हाँ बना देंगे, लेकिन बनाते नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे राज्य में बीजेपी की सरकार है और जो यहाँ के निगम पार्षद है वो भी बीजेपी के हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, वहीं उनके पार्षद उनके इस अभियान पे पानी फेरते हुए नजर आए हैं। उनकी तरफ से यहाँ पे ना कोई काम, यहाँ कोई नाली की व्यवस्था है, ना कोई पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। फिलहाल आप बने रहिए।